हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के कल के वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था कि एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स है और प्लांट्स और एनिमल कोशिका में उपस्थित है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की ये रेटिकुलम इसमें पाई जाती है लार्जेस्ट। आज के इस वीडियो में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि अपन टेक्स्ट बुक की बात करें तो जो भी फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए गए हैं वो इस प्रकार के हेडिंग्स में दिए हुए हैं। पहला है मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार। दूसरा है आवश्यक पदार्थों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल। अंत्यकोशिकीय अभिगम, अभिगम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अंत्यकोशिकीय संबंध, इंट्रासेलुलर कंडक्शन। उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। कुछ संश्लेषी क्रियाएं हैं, सिंथेटिक एक्टिविटीज हैं। कोशिकाओं की अन्य कलायुक्त रचनाओं का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और डिटॉक्सिकरण, निराविषकरण। और लास्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। इस प्रकार से इन्होंने ये फंक्शंस दिए गए हैं जिनको अलग अलग प्रकार से अपन को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में अपन जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं ये फंक्शन क्या क्या है और किस प्रकार से है। चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका एक अलग प्रकार का फंक्शन हो जाता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई माने जाते हैं। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रमुख काम प्रोटीन सिंथेसिस का रहता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स ना होने के कारण मेटाबॉलिज्म वाली एक्टिविटीज वहां ज्यादा होती हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा फंक्शन में अंतर है। तो यहाँ फंक्शंस ऑफ, जैसे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्रमुख काम यहाँ है और वो प्रमुख काम भी इसलिए है कि राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, इसलिए प्रमुख काम में सीक्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रमुख काम इसका है प्रोटीन का संश्लेषण करना, जितने भी प्रकार के एंजाइम्स वो बन रहे हैं उन सबों को सीक्रेट करने का। इसलिए जहां जहां प्रोटीन का निर्माण अधिक होता है वहां उन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दिया है एसिनर सेल्स ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स है और इसकी जो एसिनर सेल्स हैं इनके द्वारा इन प्रोटीन्स का, जहाँ प्रोटीन्स का निर्माण होता है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में होती है। दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल की इंटरनल लाइनिंग है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, और जो म्यूकस निकलना है म्यूसिलेज वगैरह, यहाँ इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, यही यहाँ से स्टार्ट होता है बायोसिंथेटिक पाथवे। किन किन का? प्रोटीन्स का। कहने का मतलब प्रोटीन्स का सर्वप्रथम निर्माण यही होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन्स का निर्माण यही होता है, फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण यही होता है, इन तीनों का निर्माण यही होता है और उसके बाद ये दूसरे अंगक में जाते हैं। देयर जर्नी थ्रू द मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स, इसके बाद ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएंगे या गोल्जी बॉडी में और लाइसोसोम में जाएंगे। जो मेम्ब्रेनस अंग है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वहां ये पहुंचते हैं। तो प्रमुख काम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चेन और फॉस्फोलिपिड्स का ये सिंथेटिक करना। दूसरा अर्थात जब भी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये सिंथेसिक है और प्रोटीन का सिंथेसिस प्रमुख काम है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शंस है वो प्रोटीन सिंथेसिस से अलग है।
प्रमुख फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, पहला है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। फैटी एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका सिंथेसिस करना। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से? जैसे एस्ट्रोजन से और टेस्टोस्टेरोन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया निराविष्कर, मतलब कोई भी पॉइजन जा रहा है उसको नष्ट करना, हानिकारक पदार्थ नष्ट करना, और ये काम होता है लीवर में। तो लीवर में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग बारबिट्यूरेट एंड एथेनॉल, इनका ये बायोरिएक्टर, ये काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसका मतलब लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होगी। सिक्रिस्टेरिन कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का भी जो उपयोग है वो इसका काम है कि कैल्शियम को कम और ज्यादा करना विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कैसे पहुंचेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख काम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंड नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ दिस प्रोटीन से डेस्टाइंड फॉर सीक्रेशन और स्मूथ जो है इन्वॉल्व द लिपिड मेटाबोलिज्म, लिपिड मेटाबोलिज्म वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में, इन दोनों में पूर्ण रूप से और डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में ये प्रोटीन में काम करती है। प्रोटीन सिंथेसिस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से भी हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स और फ्री राइबोसोम से, फ्री राइबोसोम जो फ्री है साइटोप्लाज्म में है उन राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन्स दे है वो ये प्रोटीन्स है। यहाँ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं वो कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, उनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन किन किन का हो रहा है? सीक्रेटेड प्रोटीन्स होंगे, दूसरा का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, सोल्यूबल प्रोटीन्स इन ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, वेसिकल्स एंड प्लांट वेसिकल्स, इन सब के जो प्रोटीन से मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के द्वारा गए। ये इस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख काम है। जहां हम इनके मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो ये दोनों ही मिलकर एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करती है। इसके अलावा यदि हम दोबारा देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में बात कर सकते हैं, RER के द्वारा, ACR के द्वारा और कुछ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इन दोनों से अलग और हैं, उन कैटेगरी में हम फंक्शन को देखते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो फंक्शन किए जा रहे हैं वो फंक्शन से, चूंकि सरफेस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस एंड राइबोफोरिन्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू इटसेल्फ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को से राइबोसोम्स जुड़े होते हैं तो ये सरफेस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस दे रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लिंकिंग ऑफ सुगर टू फॉर ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट इन द RER एंड इज कंप्लीटेड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण स्टार्ट यहीं हुआ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रीकोर्सर, द RER प्रोड्यूस एंजाइम प्रीकोर्सर फॉर द फॉर्मेशन लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्मूथ ER का फॉर्मेशन भी RER के द्वारा होता है। ये RER के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस है। जब ACR की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेन फंक्शन है, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होता, लेकिन लिपिड मेटाबोलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में एंड स्पेशली अवंडेड इन मेमिलियन लिवर एंड गोनाड सेल्स, ये लिपिड मेटाबोलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रमुख काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेमिलियन लिवर सेल्स में और गोनाड सेल्स में सोचते हैं। इट ऑल्सो सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स को भी सिंथेसाइज करती है। डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रमुख काम है जो ACR ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर, दैट इज कन्वर्ट्स हार्मफुल मटेरियल इनटू हार्मलेस वन फॉर एक्सक्रेशन बाय द सेल्स। डिटॉक्सिफिकेशन निराविषीकरण, जो जो हार्मफुल मटेरियल है ड्रग्स या पॉइजन से उनको चेंज करना। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन करती है। द ACR प्रोड्यूसेस
इन्हीं से गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेट्स का निर्माण होता है, लाइसोसोम्स का हो रहा है, वेकुल्स का हो रहा है। इट ऑल्सो कैरीज आउट द अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड स्टोर मेटाबॉलिज्म इन मसल सेल्स। जो मसल सेल्स हैं उनमें इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल सेल्स में, उसको रेगुलेट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कंटेन्स द एंजाइम ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज विच कन्वर्ट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू ग्लूकोज ए स्टेप इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इसका काम, ये काम थे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी हम कह रहे हैं सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फाउंड इन स्मूथ एंड स्टेटेड मसल्स। इन इन मसल्स में ये केवल सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि एक प्रकार से स्मूथ ईआर है। द ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्गेनल्स एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेडली ऑफ प्रोटीन दे हैव बोथ बाउंड टू देयर मेम्ब्रेन्स एंड ड्रिफ्टिंग विदिन द कन्फाइंस ऑफ देयर ल्यूमेंस। दिस फंडामेंटल डिफरेंस इज इंडिकेटिव ऑफ देयर फंक्शंस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस मॉलिक्यूल्स व्हाइल द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड पंप्स कैल्शियम आयंस। ये प्रमुख सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है। द सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स लार्ज स्टोर्स ऑफ कैल्शियम विच इट्स कहने का मतलब है कि जितना भी कैल्शियम आयन का स्टोरेज वगैरह है उसका प्रमुख काम करने के लिए सारकोप्लाज्मिक मसल्स वगैरह में ये प्रमुख रूप से एक प्ले है मेजर रोल इन एक्साइटेशन एंड कंट्रक्शन कपलिंग इन मसल्स। ये प्रमुख प्रकार से फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इनको एक अलग तरीके से देखें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुल मिला के इन कैटेगरी में आ सकते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनादर दस फॉर्मिंग द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम है। फॉर्मेशन डेस्मोट्यूबल्स ट्यूबुलर ईआर एक्सटेंशन का डेस्मोट्यूबल। सपोर्ट ईआर एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क द साइटोस्केलेटन डेट आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स। मैकेनिकल सपोर्ट फॉर्मेशन डेस्मोट्यूबल्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट मटेरियल का मतलब है कि न्यूक्लियस से लेकर मटेरियल चलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है फिर गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। इस तरह से ये सर्कुलेट होता है। ईआर एक्ट है पासिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ले जाने का काम इसका है। ऑर्गेनेल टू कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लोकेशंस ऑफ एंजाइम्स ईआर मेम्ब्रेन्स कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम टू कैटेलाइज सिंथेटिक एक्टिविटीज। ईआर हैज अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मेनली सिंथेटिस। इसका मतलब सिंथेटिस एक्टिविटीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत होती है विच आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस बायो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड मेटाबोलिज कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस एंजाइम्स का ये काफी यहाँ होता है। स्टोरेज ऑफ मेटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्पेस फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट सच एज ग्लाइकोजन स्टोरेज भी करता है। ईआर मसल सेल्स इस कॉल्ड है सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ उनको हम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं और इस कारण इसका काम कैल्शियम आयन का स्टोरेज वगैरह है। कंट्रक्शन इट हेल्प्स इन मसल्स कंट्रक्शन बाई रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इन द सार्को। फॉस्फो फोटो रिसेप्टर्स के रूप में भी है। ईआर और पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर्स के रूप में। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। रफ ईआर सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है। स्मूथ ईआर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। ये करती है कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल को चेंज करती है। कैल्शियम स्टोरेज है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स है। स्मूथ ईआर प्रोड्यूस गोल्जी बॉडी अपरेट्स एंड वेकुल्स। ये प्रमुख फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
किस किस प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम के दोनों फंक्शंस हैं। तो इन दो वीडियो में, पहले वीडियो में हमने उसकी संरचना टाइप्स और के बारे में जाना था, और दूसरे वीडियो में एंडोप्लाजिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन करते हैं उन फंक्शन के बारे में। इन दो वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंडोप्लाजिक रेटिकुलम ए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।